आपका अल्लाह से बड़ा डीप कनेक्शन है आपने कहा क्या कनेक्शन है कैसे है हाउ डू यू डिफाइन योर कनेक्शन विद अल्लाह राबिया मैं पहले इंटरव्यूज़ में बहुत कहती थी और मैं अब भी कहती हूँ मैं सोचती थी कि मैं पहले मैं कैसे कह देती हूँ ये तो मेरा अपना रिश्ता है ना अल्लाह के साथ अब मुझे इसका वो नहीं पता क्या ने, उसे ने, उसे कहते हैं सॉरी कट इसीलिए मुझे बड़ा लाइक like, जब आप बात कर रही थी बट आई फील द डेप्थ ऑफ और द इंटेंसिटी के आपने जो जुमला बोला है वो आपके लिए कितना मायने रखता है hmm. Hmm. तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मे बी कुछ व्यूअर्स उससे कुछ गाइडेंस ले लें कुछ उनको जो लोग इससे <laughs> नहीं पहले मैं बड़ा ईजिली कहती थी और पहले मैं कहती थी कि मेरा अल्लाह ताला के साथ बड़ा कनेक्शन है और अभी भी है बहुत ज्यादा गहरा है लेकिन अब मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती इसलिए मैंने काफ़ी मैंने शायरी पोइट्री भी जो मैं करती हूँ वो मेरी ज्यादातर इश के मिजाजी के बजाय हक़ीक़ी पे होती है ओके। तो आ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ पता नहीं मुझे लगता है कि बंदे में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती वो अल्लाह ताला ही अपने आप के साथ जोड़ के रखता है इंसान को हुँ. हम तो हम तो वैसे हैं मैं वैसी हूँ जैसे और बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये होता है कि कोई चीज़ आप दिल से रो के अल्लाह ताला के सामने कोई बात कहें और फिर वो सुन ली जाए फ़ौर तो फिर तो अपना आप इतना कम लगता है हुँ. मैं कहती हूँ कि फिर तो लगता है कि यू you नो know, आप तो कुछ कर ही आपकी तरफ से तो कोई एफर्ट है ही नहीं वो तो सिर्फ अल्लाह है जिसने आपको अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है हम तो मैं तो अब पहले मैं बड़ा कहती थी मेरा मेरा बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है अल्लाह hmm. के साथ में मैं कहती हूँ मेरा क्या है अल्लाह ने मुझे ने अपने साथ लगा के रखा हुआ है और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा अपने अपना अपना रहम रखे मुझ पर ये दुआ भी मेरी हमेशा हर दो मिनट के बाद मैं कहती हूँ अल्लाह में रहम रखे इज़ hmm. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और ये जो दुनिया है ये तो वैसे ही इतनी अल्लाह ताला ने टेम्प्रेरी रखी हुई है ना तो आ, ये तो अल्लाह ने यहाँ पे तो कंप्लीट किसी को कुछ देना ही नहीं है सही बात है। तो अगर हम ये सोच लें कि जितना हमें मिला हुआ है वो कितना ज़्यादा है और फिर ये एक बड़ी तसली बख्श चीज़ मुझे लगती है कि दुनिया तो वैसी थोड़ी सी आर्जी है और यहाँ पे तो कंप्लीट कुछ मिलना नहीं है तो फिर जो मिला हुआ है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है यू नो इफ आई लुक अराउंड पीपल जो कि देर स्ट्रगलिंग देर स्ट्रगलिंग देर स्ट्रगलिंग मैंने भी स्ट्रगल की है बट उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ अगर मिल गया तो वो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए उसका और दूसरा ये कि बस खुशी रहती हूँ पता नहीं मैं <laughs> ज़्यादातर मुझे हो रहा था अम्मी ट्रैवल इतना करती हूँ मैं ड्राइव कर रही थी तो मैं कही थी अम्मी कहीं की रोड्स अच्छी हैं कहीं की ट्रैफिक अच्छी है कहीं का घर अच्छा है सही बात है <laughs> तो फिर का, अम्मी, ये सब चीज़ें जो है ना पूरी कॉम्बिनेशन में ऊपर मिलेंगी अगर अगर उसके लिए हमने कुछ काम किया जो जन्नत हम जिसे <laughs> कहते हैं तो मैं कही थी देखिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कुछ करते नहीं है तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं कि ये टेम्प्रेरी जिंदगी बस गुजार रहे हैं और इसमें जो है ना बस साथ मजे की बात बोलिए चीजें हाँ वो कॉम्बिनेशन एक ही जगह मिलेगा